ईएससी प्री एग्जाम 2018। सबसे पहले देखते हैं हम, सबसे पहले है करंट इश्यू ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू सोशियल इकोनॉमिक्स एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से 9 क्वेश्चन आए हैं। फिर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एप्टिकल एबिलिटी, इससे 12 क्वेश्चन आए हैं। फिर है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इससे 8 क्वेश्चन आए हैं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ड्रॉइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी, इससे 11 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में है स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस एंड सर्विस, 8 क्वेश्चन आए हैं। बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट से 13 क्वेश्चन आए हैं। फिर है बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 9 क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद में है मेटेरियल साइंस, बेसिक्स ऑफ मेटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, 16 क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा वेटेज मेटेरियल साइंस का है। इसके बाद में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन टूल्स दियर एप्लीकेशन इन इंजीनियरिंग सच एज नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन, इससे 7 क्वेश्चन आए हैं। एथिक्स एंड वैल्यू इन इंजीनियरिंग, इससे 7 क्वेश्चन आए हैं। इस तरीके से टोटल देखें 12, 9, 21, 21 और 8, 29, 29, 11, 40, 40 इस पार्ट से आए हैं क्वेश्चन। फिर यहाँ पर देखें 21, 21, 9, 30, 30 इस पार्ट से आए हैं, 70 और 30 इस पार्ट से आए हैं, मेटेरियल साइंस, आईसीटी और एथिक्स। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं। तो सिंपली यहाँ पर देखें हम कि 2018 के अंदर करंट इश्यू से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जबकि 2017 में यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में देखते हैं इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड में यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं 2017 के कंपेयर में। फिर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये सेक्शन 2017 के सिमिलर है। और उसके बाद में डिजाइन एंड ड्राइंग है, यहाँ पर ईएससी 2018 के अंदर कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर स्टैंडर्ड क्वालिटी है, इसके अंदर सिमिलर टू 2017 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरमेंट है, इसमें से 2017 के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इस साल बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ज्यादा क्वेश्चन आए हैं 2017 के कंपेयर में। और जो वेटेज है बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस का, ये मैक्सिमम रहा है 2017 के अंदर, इस साल भी इसका वेटेज है मैक्सिमम रहा है। आईसीटी में 2018 में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एथिक्स में भी 2018 में कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से ये कंपैरिजन है 2017 और 18 का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंट्रोड्यूस दी कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 इन दी लोकसभा, दिस विल गिव दी राइट टू कंज्यूमर टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, फाइल ए कंप्लेंट फॉर ओवरचार्जिंग एंड डिसेप्टिव चार्जिंग। इस बिल को 1986 का जो एक्ट है उससे रिप्लेस किया गया है। दिस विल रिप्लेस द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस विल इन्फोर्स कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर रिड्रेसल एंड कंप्लेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन गुड्स एंड डिफिशियंसी इन सर्विस। यानी कंज्यूमर है, अगर सर्विस में डिफिशियंसी है या कोई प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेंट कर सकता है। ये एक्ट है, इसको रिप्लेस किया गया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2015 से। और ये बिल है, ये प्रोवाइड कराता है कस्टमर को टू फाइल कंप्लेंट फॉर ओवर चार्जिंग, अगर रेट से ज्यादा चार्ज ले रहा है तो उसके लिए भी कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। दिस बिल प्रपोज टू स्टेबलाइज इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग रिव्यूइंग एंड रिकमेंडिंग बॉडी दी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। सेकेंड क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज विच ऑफ द फ्लोइंग कंपोनेंट, यानी किस कंपोनेंट के लिए टेक्नोलॉजी प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा चलाया गया है। तो ये चलाया गया है इंडस्ट्रियल आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम, इसे फ्लेक्सी प्रोग्राम भी हम कह सकते हैं।
The features of technology promotion, development, and utilization program in the Department of Science and Industrial Research include R&D over exciting technology for support. However, only full-fledged complete for development of technology will be considered under TSDP. Mainly project related to design and development of software IT as requirement for product and processes. However, pure software development does not fall in the scope of program. Its two main features are development and integration of technology in identified areas and to promote application of advanced technology for improving the performance, value addition and extractability of various products. It specifies objective include develop and integrate technology with holistic approach. Application of modern advanced technology for socio-economic problem solving, development and application of R&D activities and promoting activities for improving the technology and other related issues. The Olympic flame symbolizes continuity between ancient and modern games. The Olympic flame represents link between the ancient and modern games, underlying the profound connection between these two events. One is there was no Olympic flame used in first Olympic Games held in 1896. एज ग्रीस यानी 1896 में जब फर्स्ट ओलंपिक गेम हुआ था उस टाइम ऐसा कोई सिंबल हमने यूज नहीं किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इट वाज यूज इन 1928 ओलंपिक इन एमस्टरडाम नीदरलैंड. आईपीडीएस क्या है? इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम launched by Government of India in November 2014. It is modified on Restructured Accelerator Power Development and Reform Program RAPDRP, Restructured Accelerated Power Development and Reform Program, with smarter and efficient power electricity service in urban area by strengthening of sub-transmission and distribution network, metering of distribution transformer, feeder, consumer and IT information technology, enable of distribution network. While Deen Dayal Upadhyay Gram Jyoti Yojana launched by 15 July 2015 in Patna, M24/7 power supply in rural areas and feeder separation in household and agriculture use so as to improve agriculture productivity and electrification to all the households. Similar such scheme was already there in Gujarat and Government of India erstwhile scheme Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran in subsumed in RGGBI. It means Rajiv Gandhi Gramin विद्युतीकरण लॉन्च्ड इन मार्च 2016 उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल दी इट्स नेम गिवन टू डोमेस्टिक इफिशियंट लाइट प्रोग्राम DELP डोमेस्टिक इफिशियंट लाइट प्रोग्राम which is LED based and is being implemented by Energy Efficient Service Limited EESL, Energy Efficient Service Limited. So about the IPDS, strengthen the distribution network in urban area while DDUGJY does not same in rural areas. This is correct. And DELP focus to subsidies LED bulb for incandescent lamp. This is correct. Non-performing assist. This is decline in value when capacity utilization throws substantive is yet suboptimal.
So, demand revives in the economy, non-performing assets, and demand utilization increase. Demand utilization increase, demand revival in economy, and capacity utilization through sub-sensitive is yet sub-optimal. Capacity utilization. It is extent or level to which the productivity capacity of a plant, firm, and country is being used in generation of goods and service. It can be expressed as percentage. It is computed by dividing the total capacity with portion being utilized. NPA decline in value when capacity utilization increase. Carbon footprint. The meaning of carbon footprint is described by the amount of carbon dioxide released in atmosphere as a result of activity of a particular individual and organization and community. Carbon footprint is measured of carbon equivalent total CHGS individual or organization. Crowdfunding. Crowdfunding. Money raised by innovator and inventor by launching their product and service through the internet is called crowdfunding. Crowdfunding is a practice of funding a project or venture by the raising small amount of capital from a large number of individuals to finance a new business venture, typically by the internet. This is called crowdfunding. आठ से सोलह तक की सभी सक्सेसिव इंटीजर का हम स्क्वायर का सम करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? सभी जैसे आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, जैसे पंद्रह तक हम स्क्वायर को अगर जोड़ते हैं, जैसे चौसठ, इक्यासी, सौ, एक सौ, किसी तरीके से जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आती है? 1356। तो हम वन से लेके सिक्सटीन तक नंबर लेते हैं, उसमें से वन से लेके सेवन तक के नंबर हम घटा देते हैं तो हम 16 तक नंबर को निकाल सकते हैं। और हमें पता है कि एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे वन से लेकर 16 तक करनी है तो हम करते हैं 16 यानी एन इंटू एन प्लस वन यानी कि 17 इंटू टू एन प्लस वन यानी कि 33 डिवाइड बाई 6, ये फार्मूला होता है। इसी तरीके से वन से सेवन की इसमें से माइनस करनी है, इसका मतलब क्या है, 7 इंटू 8 इंटू 15 करेंगे हम डिवाइड बाई 6, तो ये वैल्यू को हम सोल्व कर लेते हैं तो ये आ जाती है हमारे पास में 1356। क्वेश्चन है कंसीडर ए ट्रेपेजॉइडल लेमिना एबीसीडी। जैसे एबीसीडी दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी सी, डी सी दे रखा है, ये 6 मीटर अपार्ट से यानी एक दूसरे के 6 मीटर की दूरी पर है, ए बी 8 सेंटीमीटर दे रखा है और सी डी है 12 सेंटीमीटर दे रखा है। सी डी एक्सटेंड आउटवर्ड्स बाई 1 सेंटीमीटर फ्रॉम दी फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन डी सी यानी बी पॉइंट से ये, जैसे ये टोटल 12 सेंटीमीटर है, इसमें 1 सेंटीमीटर ये पार्ट है, 8 सेंटीमीटर ये पार्ट है, 9 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ये पार्ट है, इस तरीके से ये डिवाइड है। दी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लेमिना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिडिल पॉइंट में यानी इसका मिडिल पॉइंट, इन लाइनों को मिलाएंगे और इन लाइन का मिडिल पॉइंट यानी इधर से 3, ये टोटल 6 है, 6 में से 3 यानी ये लाइन है हमारी 3 हो जाती है और इस पॉइंट को निकाल के ये सेक्शन है हम निकाल लेते हैं तो ये सेक्शन कितना आ जाएगा, 2.8 आ जाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये सेक्शन है 2.8 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। एक सेंट्रीलीवर बीम एबीसी से फिगर में दिखाई गई है, शोन ए हाईली इंग्रेजेड वर्टिकल स्केल, हॉरिजेंटली ए बी इज 2 मीटर लॉन्ग, हॉरिजेंटली ए बी की वैल्यू है 2 मीटर है तो ये ए बी की वैल्यू 2 मीटर हॉरिजेंटली लॉन्ग, एंड बी सी इज 0.6 मीटर, बी और सी की वैल्यू है 0.6 मीटर है हॉरिजेंटल में। लोड एक्ट ओनली इन रीजन ए और बी, लोड इसी पर वर्क कर रहा है रीजन ए बी पर, देयर आर नो लोड इन द रीजन बी सी, बी सी पर कोई भी लोड नहीं है। अंडर द लोडिंग सिस्टम द डिफ्लेक्शन बी इज 0.24 सेंटीमीटर, डिफ्लेक्शन की कंडीशन में 0.24 सेंटीमीटर बी पर डिफ्लेक्शन होता है, एंड स्लोप ऑफ द बीम
इज थीटा, वेयर साइन थीटा की वैल्यू है, ये थीटा दे रखा है स्लोप, और ये साइन थीटा की वैल्यू है यहाँ पर दे रखी है 0.038। व्हाट इज द डिफ्लेक्शन एट डी, इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, विच इज मिडवे बिटवीन बी एंड सी के बीच में मिडवे है, तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पर पूछा है। तो ये डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सिंपली यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन पूछा हो, इस मत का मतलब क्या है, ये डिफ्लेक्शन बी डी हमने पूछा है, तो बी डी है सिंपली क्या हो जाएगा 0.3 मीटर यानी कि 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका हाफ है, ये टोटल 0.6 है, 0.3 मतलब 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये बी डी हो जाता है हॉरिजॉन्टली। अब हम इसको देखें कि यहां से ये थीटा एंगल अगर इस डायग्राम को इस तरीके से बनाए और ये हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं जैसे ए बी सी, और ये इसी तरीके से डिफ्लेक्स हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये पूरी पॉइंट पहले यहां से डिफ्लेक्ट होके यहां पर आया है, फिर यहां पर डिफ्लेक्ट होके यहां पर आया है, इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर डिफ्लेक्शन आया थीटा एंगल का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन आया थीटा का, इसका मतलब ये है, ये सेक्शन पूछा है, तो ये बी डी, ये बी डी कितना होगा 0.3, क्योंकि पुट 0.6 है तो ये 0.3 होगा। अब बी बी डैश देखें हम, अब बी बी डैश क्या होता है यहाँ पर, ये सेक्शन बी और बी डैश, ये क्या डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आया है, तो ये क्या हुआ है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफ्लेक्शन ऑफ बी इज 0.24 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन रखा है 0.24 सेंटीमीटर है, ये बी डी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब डी डी डैश का मतलब है ये सेक्शन हमें निकालना हो, तो डी डी तो आएगा ही आएगा, यानी बी बी डैश तो जुड़ेगा जुड़ेगा, यानी 0.24 तो यहाँ पर जुड़ेगा, प्लस के जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेक्स्ट वैल्यू टेन थीटा इंटू एल बी डी की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो हम निकालते हैं ये वाली वैल्यू, तो ये वैल्यू किससे निकलेगी, टेन थीटा से निकलेगी, टेन थीटा के सूत्र से निकाल लेते हैं, तो टेन थीटा इंटू एल डी बी टेन थीटा की वैल्यू से हम निकाल लेते हैं, तो एल डी बी की वैल्यू कितनी है 30 सेंटीमीटर, और टेन थीटा की वैल्यू से निकालते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये आती है 0.26 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू 0.038 क्वेश्चन में दे रखी है, और इसको 30 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास में डेल डी की वैल्यू आ जाती है, चेंज इन डी डी डैश वो ज्यादा 1.38 सेंटीमीटर, तो 1.38 सेंटीमीटर है ये आंसर होगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में एल बी डी को मीटर्स के अंदर लें तो डेल डी की जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, डेल बी प्लस के मीटर्स के अंदर लें 0.38 × 0.3, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मीटर्स के अंदर 2514 मीटर्स आएगी।